रामनगरी में 23 अगस्त को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन पर जन जन के प्रभु राम के नाम की ध्वनि से स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी अयोध्या के हेरिटेज स्थानों में इस सॉन्ग की थीम को तैयार कर रही हैं। मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के हृदय में अनंत काल से है। आज उसका प्रत्यक्ष मंदिर बनने जा रहा है, इसकी कितनी प्रसन्नता है ये बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं उनमें से हूँ जो राम मंदिर की प्रतीक्षा प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है, और जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन अयोध्या में थी। मैं यही कह सकती हूँ कि हर सनातन आस्था वाले हर भारतीय हिंदू के लिए विश्व के किसी भी कोने में हो उसके लिए अत्यंत सुखद क्षण है। नहीं, भगवान राम का मंदिर तो इस भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के हृदय में आज नहीं अनंत काल से है। जो सबके हृदय में वास करते हों उनके मन में मंदिर तो बहुत समय से बना हुआ है। अब प्रत्यक्ष मंदिर बनने जा रहा है, इसकी कितनी प्रसन्नता है ये मैं आपको कैसे बताऊं। मैं उनमें से हूं जो प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रही हूं, और जिस दिन ये घोषणा हुई तो उस दिन तो मैंने लाइव करके गाया था यहाँ पर। मैं आ करके राम की पैड़ी पर ही कार्यक्रम भी दिया था मैंने। मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये हर सनातन आस्था वाले हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए, विश्व के किसी भी कोने में हो उसके लिए अत्यंत सुख आह्लाद का क्षण है। जो सुख हमारे पिता हमारे बाबा नहीं देख पाए अपने अंत समय में, अपने जीवन काल में, उसके हम लोग साक्षी बनेंगे। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का और सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐसी मन की आकांक्षा जो सबके मन की इच्छा थी कि भाई सबको पता है आज नहीं अनंत काल के पुराने लोकगीतों में आप देखें कि राम अयोध्या में थे, ये तो सबको मालूम है, सब जानते हैं। और यहाँ पर जब हम आते थे तो हम लोगों की शक्ति के प्रेरणा स्थल हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन करके जाते थे। अब भगवान राम का मंदिर में आकर के दर्शन करेंगे तो बस प्रतीक्षा है जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने। और मैं तो गायिका हूँ तो हम तो जो गाते हैं वो हम लोक चित्त में अपने मन में उनको अनुभव करके अनुभूत करके गाते हैं। और यही कारण है कि जब भी अभी भी रामायण कॉन्क्लेव जो इतना भव्य होने वाला है, जिसके उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ करने वाले हैं, उसी के लिए एक थीम सॉन्ग है जिसको हम